अरे आप चेक करें इनकी हालत चेक करें। ये जाहिल तरीन घटिया तरीन लोग हैं। ये सिर्फ मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग आते हैं और इनकी हालत देखें। ये देखें कचरा। अभी हम घने जंगल में आ गए और ये साथ पुल है, ये जो हमें कभी भी नहीं भूलता। जब से मैं आ रहा हूँ ऊपर से तो यहाँ पे देखा मैंने काफी कचरा फेंक रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जब से मशहूर हुआ वाटरफॉल तब से कचरा ही लोग फेंकते हैं। पानी के प्रेशर से चक्की घूमती है तो फिर ये होता है कि दाने उसमें डालते हैं और फिर आटा बनता है। चला रहा अलैकुम जी, तो कैसे हो? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी अल्लाह के करम से ठीक होंगे। तो वेलकम बैक मी अदर व्लॉग। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। अच्छा यार, आज अभी ये सीन है कि अभी हम जा रहे हैं टाटा पार वाटरफॉल वाली साइड, तो अभी हम पैदल ही जा रहे हैं। यहाँ से तकरीबन आधे घंटे का पैदल रास्ता है, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है पैदल चलेंगे, साथ वॉक भी हो जाएगी और साथ वाटरफॉल का भी ब्लॉग बना लेंगे। तो अभी चलते हैं, हम आपको साथ साथ रास्ते में जाते हुए ट्रैक भी दिखाते हैं कि इसका ट्रैक कैसा है। बहुत ही कच्चा ट्रैक है तो बाइक लेके जाना बहुत ही मुश्किल था, तो सोचा हमने कि पैदल ही साथ चलते हैं। रोडों की हालत देख ले, कितनी गंदी हालत है रोडों की। यहाँ पे कोई तमीर नहीं होती रोडें, क्या वजह है यार? कश्मीर की हुकूमत सही हुई है, मुझे समझ नहीं आती। अभी हम आधे रास्ते में पहुँच आए हैं और साथ साथ व्यू को इंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ बातें शातें कर रहे हैं। मेरे साथ है स्नात भाई। हाँ जी स्नात भाई, थके तो नहीं हैं आप? ये देखें कुछ रोड़े से पड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से ये रोड को बनाने के लिए रखे हुए हैं, मुझे नहीं पता किस लिए रखे हुए हैं, पर ये हालत देख लें आप, सारी कच्ची रोड है। हम 2016 में यहाँ से गुजर के गए थे पैदल कराठा पार पे, तो तब भी ऐसी हालत थी। पिछले साल में आया था तब भी ऐसी हालत थी। तो मुझे थोड़ी सी ग्रीनरी नज़र आना शुरू हुई है, वहाँ पर सारे पत्ते गिर चुके हैं दरख्तों के, मगर यहाँ पर मुझे ग्रीनरी नज़र आना शुरू हो गई है। ये आप देखें कितना मज़े का सीन है, यहाँ से पानी की आवाज़ आ रही है नीचे से, यहाँ से कोई नाला गुजरता है। अच्छा आबशार में जाता है ये वाला पानी। अच्छा ये जो नीचे पानी है ना, ये जिस आबशार में हम जा रहे हैं ना उसी में ये पानी जाता है, साफ सुथरा पानी होता है यहाँ का। अच्छा जी आप नीचे का नज़ारा देख सकते हैं, कितना मज़े का सीन है इधर। ये लोगों ने खेत वगैरह यहाँ पे नीचे लगाए हुए हैं, वो बहुत ही प्यारी माशाल्लाह से मस्जिद है। ये लिखा हुआ है अस्सी मोड़ अबद शहीद लिंक रोड। जब शाम के वक्त ना 0.5x जो आईफोन का होता है ना वो काम करना ख़त्म कर देता है, और इसके बाद ना 1x पे वीडियो बनानी पड़ती है, और दूर के मनाजर जो होते हैं वो सही क्लियर नज़र नहीं आते, 1x पे नज़र आते हैं। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि यार के 0.5x क्यों बस कर जाते हैं शाम के वक्त और रात के वक्त। बहुत थक चुके हैं, अभी तो थोड़ा सा उतराई की है हमने, वापस चढ़ के भी जाना है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो जो सामने वाली रोड है ना वो हजीरा वाली साइड जाती है। यार बहुत ही थकावट हो गई है, चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया मेरे लिए। चलता तो मैं रहता हूँ हर डेली चलता हूँ, मगर फिर भी यार बहुत मुश्किल हो गया। देखेंगे लोगों ने घरों के ऊपर ये घास ही रखी हुई है, इसको मेरे ख्याल से जलाते हैं। और इस रोड पे बंदा ना बंदे की ज़ात आपको मिलेगी, मतलब गाड़ी या बाइक पे। हम जहाँ यहाँ से आते हुए तकरीबन हमें 10-15 मिनट हो गए हैं, मगर यहाँ पे हमने ना कोई गाड़ी देखी है ना कोई बाइक देखी है। तो ये मतलब ये जो रास्ता यहाँ से कोई गुजर के नहीं जाता, इतनी गंदी रोड है। तो हम सोच रहे हैं हम आ तो गए हैं, अभी तक तो पहुँचे नहीं हैं वाटरफॉल पर, मगर फिर भी हम आधे रास्ते में पहुँचे हैं। मैं तो टोटली थक चुका हूँ, पता नहीं क्या बनेगा वापसी जाते हुए। जब से मैं आ रहा हूँ ऊपर से तो यहाँ पे देखा मैंने काफी जगह कचरा पड़ा है, मतलब लोग कचरा फेंक रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जब से मशहूर हुआ वाटरफॉल तब से कचरा ही लोग फेंकते हैं। हाँ हमारे लोगों की यही तो बात है ना, मतलब जब कोई चीज़ मशहूर हो जाती है जो लोगों की आंखों से ढकी छुपी रहती है ना वो चीज़ ठीक रहती है, जो चीज़ मतलब अगर ज्यादा मशहूर हो जाए लोग उधर जाना शुरू हो जाते हैं और साथ उधर कचरा फेंकना शुरू हो जाते हैं, यही बात है ना। काफी खूबसूरत ट्रैक है, मजे का ट्रैक है, बस ये कि इन्होंने रोड नहीं सही बनाई हुई, ये साथ साथ नीचे पानी जा रहा है। अब देख लें वाटरफॉल पे पहुंच आए हैं, मैं आपको शो करवाता हूँ। ये कोई दरबार है इधर और साथ ही आगे ये वाटरफॉल है, यहाँ पे पिछले दोनों डेथ भी हुई है, दो बंदे यहाँ से, तीन बंदे मेरे ख्याल से यहाँ से नीचे गिरे थे तो उनकी बेचारों की डेथ हो गई थी। तो ये आप पुल देख लें, ये पुल की जो जादे है ना ये बहुत ही पुरानी है, क्योंकि 2016 में हम आए थे तो अब यहाँ पर लकड़ी का पुल होता था, तो
तब हमने यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बनाई थी। तो लास्ट ईयर में आया था तब मैंने यहाँ पे ड्रोन शॉट्स बनाए थे। ये हैं जी ड्रोन शॉट्स, वो वाले जो मैंने लास्ट ईयर बनाए थे। तो कुछ ऐसा दिखता था ये वाटरफॉल पिछले साल। निजाम हस्ती खुदा है, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा। आप आगे का नजारा देख लें, आगे जाने का हम रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि पिछले बार डेथ हुई थी यहाँ पे, तो इसलिए डर लग रहा है हमें। हम जा रहे हैं नीचे वाली साइड, ये पानी के प्रेशर से चक्की घूमती है, तो फिर ये होता है कि दाने उसमें डालते हैं और फिर आटा बनता है। और अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाती है, बार बार मुझे पुरानी वीडियोस डिलीट करनी पड़ती हैं। ये मेरे पीछे का नज़ारा आप देख लें, ये है वाटरफॉल। आजकल तो कोई नामो निशान नहीं है वाटरफॉल का, बस थोड़ा सा पानी गिर रहा है पीछे से, और ये वाला पानी थोड़ा सा ज़्यादा गिर रहा है, ये आप देख सकते हैं। यार इस बार ये इन्होंने किया चक्की वालों ने कि यहाँ पे सारा पानी खोल दिया, जो वो वाला पानी रोक दिया, वो वाला पानी इधर नहीं आता क्योंकि जो सारा पानी पीछे से आता वो इधर आ जाता सारा पानी। ये बड़ी मायूसी है यहाँ पे आके, तो अब यहाँ से उधर जाने का भी रास्ता नहीं है, वहाँ से नीचे से गुजर के जाना पड़ेगा। ये जी वाटरफॉल का सारा पानी इधर आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा गहरा पानी, इतना भी ज़्यादा नहीं गहरा, मतलब तकरीबन 10-12 फुट होगा पानी गहरा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मछलियाँ सी हैं कोई, मैं मछलियाँ मुझे कोई नज़र नहीं आ रही। अच्छा यार फाइनली भी हम ऊपर जा रहे हैं वापस, क्योंकि शाम हो गई है, यहाँ पे कोई बंदा भी नहीं है, ऑफ सीज़न चल रहा है, तो इसलिए हमने सोचा वापस ऊपर चलते हैं टाइम से, इससे पहले कि शाम हो जाए। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर, तो अभी हम दूसरे कज़न को कॉल करते हैं, वो हमें पिक करने आ जाएगा, क्योंकि हमारे में हिम्मत तो नहीं रही कि हम वापस पैदल जा सकें। बाकी आपको इधर का नज़ारा करवा देता हूँ मैं, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई ढाबा शाबा है, ये आजकल बंद हुआ है क्योंकि ऑफ सीज़न चल रहा है। अच्छा जी अभी हमने घूम लिया है तो वाटरफॉल देख लिया। यार असल में वाटरफॉल का तब मज़ा आता है जब यहाँ से पानी सही नीचे गिर रहा हो और साथ ये है कि रश हो, आज रश बिल्कुल नहीं है, सिर्फ हम दो हैं या एक आगे कपल आया हुआ था, मगर उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि आजकल ऑफ सीज़न चल रहा है तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अभी हम जाते हैं इस पुल के ऊपर, ये देखें जी ये वाला पानी है ना जो ये सारा कराट में जा रहा है, साफ़ सुथरा शफाफ पानी है, आप देख रहे हैं ठंडा है काफ़ी। अभी हम घने जंगल में आ गए और ये सांस पुल है ये जो हमें कभी भी नहीं भूलता। बस यार पता नहीं क्या, जो पुरानी यादें होती हैं ना, बंदा बस उस पर एक बार चला जाए ना, बस दिल खुश हो जाता है बंदे का। अब इस पुल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस यहाँ पे एक लकड़ी का पुल होता था, जब पुरानी यादें थी हमारी 2016 में, तो हमने यहाँ पे पिक्चर बनाई थी, तो हमारा दिल करता है कि अब भी बार बार यहीं पर आए और वीडियो बनाए। यार हमारे लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं, किस मिट्टी के हमारे लोग बने हुए हैं यार। ये आप चेक करें इनकी हालत, इनकी हालत चेक करें, ये जाहिल तरीन घटिया तरीन लोग हैं। ये सिर्फ मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा, ये पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग आते हैं और ये इनकी हालत देखें, ये देखें कचरा। ये है जी तड़खल वाटरफॉल, क्या वाटरफॉल है यार, तुम लोगों को यार नहीं आती यार कि अपने मुल्क को कैसा रखना है। ये देखें फाइनली हमारा वापसी का सफ़र स्टार्ट हो गया और मैं शदीद थक चुका हूँ, फ्लैश लाइट भी मैंने अपने फ़ोन के ऑन कर लिया है। अभी वो शानी भाई आ रहे हैं, वो हमें पिक करने आएंगे,
और आधे रास्ते से हमें वो पिक कर लेंगे। तो तब तक हम पैदल जा रहे हैं, हमने सोचा जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक हम चले जाएँ, तो इस वजह से हम जा रहे हैं। ये कच्चा ट्रैक है अभी। 2000 years later. थर्ड डे इन ताड़खल और अभी हमने तैयारी शाही कर ली है जाने की। तो आप मेरी शर्ट देख रहे हैं, तीसरे दिन मैंने यही शर्ट पहनी है यार, मैं एक ही कपड़े लेके आया था, फिर इसी में ही वापस चलते हैं। तो बाकी सुबह का मंजर आप देख लें दोबारा से कल की तरह। तो गया हुआ था वाटरफॉल वाली साइड, वहाँ पे थोड़ी हरियाली थी मगर वहाँ पे बिल्कुल ऑफ सीजन था, वहाँ पे जो है ना कोई बंदे शंदे नहीं थे, तो मज़े का सीन था, फिर भी मज़ा आया। पर थोड़ा सा कल डर लग रहा था कि कोई बंदा नहीं है उधर, हम मैं सिर्फ, अभी थोड़ी सी बारी थी इसलिए ना हमें डर लग रहा था। तो फिर हम वापस आ गए थे रात को, मैं आया हूँ वहाँ पे, हम जाते हुए पैदल गए थे तो मेरी टांगे सारी दर्द करना शुरू हो गई थी रात को और मुझे ज़ुकाम हो गया था, वहाँ पे सर्दी लग गई थी मुझे। तो फिर वापस आके मेडिसिन वगैरह खाई तो अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। तो अभी हमने सीट खवा लिया गाड़ी में, उन्होंने तकरीबन हम 10:45 बजे यहाँ से निकलेंगे, ताड़खल से हम पहुँचेंगे इंशाल्लाह 1 बजे तक कोटली, फिर हम वहाँ से निकलेंगे मीरपुर तक, कोटली से मीरपुर तकरीबन 2.25 घंटे लगते हैं। तो चलें फिर ब्लॉग को इधर एंड कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देख के अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बाइक को दो हमें याद रखें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दें। अल्लाह हाफिज़।